गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज शादी में आए हैं पूरे एक साल बाद। तो मैं और विद फैमिली आए हैं, दिस इज माई ब्रदर। और अभी हम सीधे एक साल बाद शादी में आए हैं। एक साल बाद आए हैं, मतलब सोच रहे कितना खाने वाले हैं, कितना खाने वाले हम, ठूसने वाले हैं। आज खाते खाते पूरा वसूलेंगे, पूरा वसूलना है, पूरे पैसे वसूल। जस्ट किडिंग, हम बहुत खाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक साल बाद मौका मिला। एंड वी आर रेडी, हम अंदर जा रहे हैं। लेट्स सी। अब हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये भाई कॉटन कैंडी बना रहा है, और अभी ये कॉटन कैंडी बनने में अभी बहुत टाइम है। तो कॉटन कैंडी बनने के बाद अभी हमारे ब्लॉगर से कब से खाएंगी। और जैसे कि देख सकते हैं कॉटन कैंडी ऐसे बनती है, आप इसे घर में बना सकते हैं अगर आपका मन हुआ तो। सो गाइस, कॉटन कैंडी बन चुकी है हमारी, और अभी कॉटन कैंडी इनके हाथों में थमा चुकी है। अगेन 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 कौन कैसे सो जा, सो जा, ले वेरी प्रिटी। सो वेरी वेरी प्रिटी, प्रिटी मैन प्रिटी। अभी हमने सिर्फ थोड़ी आधी चीजें खा ली है, अभी हमने सिर्फ 10 मिनट में आधे से भी ज्यादा चीजें खा ली। अभी खाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ओह मेरा फार्म भाग रे गड़ा। सब लोगों हरदार साहब सुबह जल्दी पहुंच जाओ तो आप सारे मज़े ले सकते हो। तो शादी में पैसे कैसे वसूले, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है टाइम पे पहुंच जाओ और सारी चीज़ें एक एक बार ट्राई करो और इन्जॉय करो। जैसे अभी खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और थोपड़ा दिख रहा होगा गाइस, नहीं भी देखिए मैं ही हूँ हर जगह गाइस। मुझे बनाना तुझे ना, मेरा गला झूम की दिला
आके इधर पीयूष, अभी तक क्या क्या किया और क्या प्लान है? बहुत मजे आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अभी तो ट्रेलर है बहुत, अभी तो ट्रेलर है, हमें अभी से इतने मजे कर लिए। ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? ओ ओ, पीयूष हुआ एग्रेसिव। थंबनेल दे रहे हैं ओ बल्ले बल्ले हो गई बस। चलो भाई, जब एक दो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो ऐसे अकेले जहाँ पे कोई नहीं होता ना, वहीं पे मजे करते हैं। इंट्रोवर्ट की बस की नहीं होती कि सबके सामने नाचे, इसलिए हम दोनों अकेले यहाँ पे नाच रहे हैं। देखिए गाइस, लड़की बैठे वाले मस्त यहाँ पे लेट जाता हूँ, कोई मेरे को देखे बाहरो फूल बरसा मेरा महबूब। लग रहा है तेरी शादी भी। भैया एक कॉफी देना हमें भी, मेरा पर्सनल वेटर।